हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी जो जितने भी पॉइंट थे, अभी इसके अंदर हमने ये व्हाइट सीमेंट लगा दिया। तो ये व्हाइट सीमेंट लगाने का जो प्रपज होता है, इसका जो बेनिफिट होता है, इसका बेनिफिट ये होता है जब भी अपन इसमें टेप लगाते हैं तो टेप लगाने के दौरान जैसे टेप वन वगैरह कम रह जाती है उसके अंदर, तो उससे अंदर छिलन जो टेप कम रह जाती है तो उसकी वजह से अंदर कोई भी लीक रहता है तो लीकेज रहने की वजह से अंदर पानी टाइल्स के अंदर जाता रहता है और पूरे दीवार के अंदर या पूरे मकान के अंदर छिलन आ जाती है। तो इससे वो जो छिलन नहीं आएगी, जैसे यहाँ पर अगर लीक भी रह जाता है, लीकेज रह जाता है तो सीधा पानी यहाँ से आकर के टाइल्स के ऊपर आ जाएगा, वो दीवार के अंदर पानी नहीं जाएगा जिसके कारण यहाँ पर सीलन नहीं आएगी। तो इसका जो बेनिफिट है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है। जब भी आप भी जो भी नए प्लम्बर भाई या कस्टमर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जब भी टेप बाथरूम के अंदर टेप लगाए तो उससे पहले यहाँ पर जो है टाइल्स के अंदर जो ये गैप है इसके अंदर इस तरीके से अच्छी तरीके से दबा दबा करके व्हाइट सीमेंट लगा दे, जिससे कि आगे जा करके सीलन वगैरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप देख सकते हो हमने एक एक पॉइंट करके पूरों के अंदर अच्छी तरीके से यहाँ पर व्हाइट सीमेंट लगा दिया है। तो व्हाइट सीमेंट लगाते समय ये कौन विशेष ध्यान रखे, ये जो ब्रास है लव या ब्रास की होती है इसका मुँह है ये इतना बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। जब इसके अंदर सीपी निपल वगैरह लगाते हैं, एक्टेक सन निपल, तो वो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आकर के उसकी थ्रेडिंग वगैरह सही तरीके से यहाँ पर मैच करें, जिससे कि वो सही परफेक्ट तरीके से इसके अंदर टाइट हो जाए। तो आप देख सकते हो तीनों पॉइंट ये इसी प्रकार से इसके अंदर, और इसी प्रकार से जो शावर का पॉइंट है इसमें भी हमने लगा दिया है, उसी प्रकार से ये डिब्बा पॉइंट है, तो सबके अंदर हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर दबा दबा करके सीमेंट बना दिया। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर लाइन्स के अंदर ये पानी आ रहा था, तो यहाँ पर जैसे हमने ये सीमेंट लगा दिया तो ये पानी जो है टाइल्स के ऊपर आ रहा है, अंदर पानी नहीं जाएगा जिससे कि सीलन की जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। तो हमेशा जब भी टेप वगैरह जो फिनिशिंग करते हैं बाथरूम के अंदर, जो सीपी फिटिंग करते हैं, तो उसके अंदर ये विशेष ध्यान रखें कि वायर सीमेंट लगा करके इसके अंदर फिर ही टेप लगाए, क्योंकि आज तक अभी जैसे हमने टंकियों को पानी से भर रखा है तो अभी तक कोई सीलन नहीं आएगी। तो अधिकतर 99% आप जो भी प्लम्बर भाई उन्होंने देखा होगा होगा कि जब भी फिनिशिंग करते हैं, जैसे इसी टेप वगैरह बाथरूम के अंदर लगा देते हैं, तो उसके बाद सीलन आती है। उस सीलन आने का कारण यही होता है कि टाइल्स के अंदर पानी जाता रहता है, जिससे कुछ मालूम भी नहीं पड़ता है कि कौन से वाले टेप के अंदर ये लीकेज है। तो इसका जो मेन पर्पज है ये यही है इस वीडियो के अंदर। और जो भी आपकी राय है, कोई भी सवाल है, वो आप कमेंट कर सकते हो, जिसका मैं जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर वाल मिक्सर लगाने वाले हैं और यहाँ पर लगेगी एक टेप, तो मैं कंटिन्यू बने रही वीडियो पर। तो यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं, वैसे राइट हैंड की साइड जो है ताज़ा पानी का पॉइंट होना चाहिए, बीच के अंदर जो है टंकी वाला और यहाँ पर जो है गीजर का, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसी प्रकार से नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर जो स्टेप बैंड वगैरह लगते हैं, जिसकी वजह से हमने गीजर का जो पॉइंट है वो राइट हैंड पर कर दिया है और जो ताज़ा पानी जो मोटर का पॉइंट है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड की साइड कर दिया है। तो ऐसा कोई जैसे एक वीडियो पर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई काम पर सुधारो, भाई काम सुधारने की बात नहीं है, हम सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा स्टेप बैंड नहीं लगाने थे हमारे को और कस्टमर को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। कस्टमर ने बोला कि कुछ ऐसा ज़्यादा सामान नहीं लगे, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर ये काम किया है। तो यहाँ पर राइट हैंड की साइड जो है गीजर का पॉइंट है और लेफ्ट हैंड की साइड जो है यहाँ पर ताज़ा पानी मोटर वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर लाइट को ज़्यादा नहीं घुमा करके हमने सीधे सीधे फिटिंग किया है।